जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही दुखद समाचार के दौरान सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में जा गिरा है। इसमें 16 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें से 3 जवान राजस्थान के भी हैं। तीनों जवान जोधपुर जैसलमेर झुंझुनू के थे। जानकारी के मुताबिक ट्रक के साथ आर्मी के 2 वैन और थे। तीनों वाहन शुक्रवार सुबह चट्टन के थंगू के लिए निकले थे। रास्ते में ट्रक एक मोड़ पर फिसलकर खाई में जा गिरा, जिसमें जैसलमेर के जोगा गांव के रहने वाले सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी, जोधपुर के सुखाराम और झुंझुनू के मनोज कुमार यादव भी थे। दरअसल जानकारी के अनुसार जैसलमेर के जोगा गांव के रहने वाले सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी 5 दिन पहले ही छुट्टी काटकर सिक्किम गए थे। उनके परिवार में मां, पत्नी और 5 बच्चे हैं। किसान पिता के बेटे गुमान सिंह ने 27 साल पहले भारतीय सेना में ज्वाइन किया था। बताया जा रहा है कि 10 महीने बाद ही वह सेना से रिटायर भी होने वाले थे। इधर झुंझुनू के पचेरी थाना क्षेत्र के माजरी गांव के शहीद हुए मनोज कुमार यादव के पिता जगदीश प्रसाद यादव पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। शहीद मनोज यादव का बड़ा भाई प्रमोद भी बीएसएफ में है और वर्तमान में बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। सो दोस्तों, बेहद ही दुखद समाचार था। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।